जी ने बताया था, एक खुफिया गुफा है, तो गाइस ये खुफिया जगह है जो चित्र आर्ट निकलेगी। ये देखो इधर, देखो गाइस काफी अंधेरा है लेकिन हम बैटरी से दिखा रहे गाइस, तो इतना साफ। तो हम जा रहे हैं अभी ब्लॉग बनाने के लिए, तो गाइस ब्लॉग में आगे क्या होता है तो देखते रहना। चाचा साथ जा रहे ब्लॉग बनाने के लिए गाइस, गाड़ी ये रही, चाचा ये रहे, फिर हम लोग चलने लगे ब्लॉग बनाने के लिए। तो गाइस देख रहे हैं हम लोग जा रहे हैं ब्लॉग बनाने के लिए। ये हमारे गांव से खड़ने के लिए बाजार के लिए रास्ता गई है, और ये ताल है इधर, देखो गाइस देख रहे हैं ताल है। लोग जा रहे हैं अभी क्लिप पर और यमुना नदी पर, वीडियो बनाई आप देखो, हम चार जने चारों यार दोस्त थे, तो आइए तो भाई पता है हम लोग घर से तीन जन निकले थे और ये भैया जी तो रास्ते में मिल गए, तो ये बोला हमको भी ब्लॉग में शामिल कर लो, तो हमने चलो क्यों नहीं। तो अभी ब्लॉग को एंजॉय करना गाइस, तुमको पता है और आगे क्या क्या हुआ है और क्या होने वाला है, तो आप इसी ब्लॉग में देखते रहना, तब तक एंजॉय करो, चलते हैं। ये हमारी बुलेट है, महेंद्र पार जो भी है यही है गाइस। अंदर एंटर हो चुके हैं, ये किले के लिए रास्ता गया है, देखते रहना गाइस मजा आएगा। अभी आगे के ब्लॉक में पानी हो चुका है ना, कल पानी होता है, के लिए अंदर किले के लिए रास्ता गया है। तो देखो गाइस हम लोग आ चुके हैं, यही है नौगाय का किला, राजा भदावर। अभी एंट्री कर रहे हैं किले के अंदर। ये गाड़ी हमारी एंटर होने वाली है, बगल एक ये दूसरी वाली रोड है। तो गाइस गाड़ी लोड बहुत ज्यादा ले रही है, देखो चार जन बैठे तो गाड़ी तो लोड लेगी ना गाइस, ये तो साफ सी बात है। आगे गाड़ी गाड़ी होती है, ये बदावर बदावर किला, राजा का किला, ये हमारा राज्य का किला, मतलब राजा जो है ना उनकी का बंदर बैठा है, ये बंदर बैठा, ये देखो जय बजरंगबली। रोड बिस्मिल की नदी, तो गाइस ब्लॉग को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों सारे दोस्तों को। तो अब हम आ चुके हैं राजा किला के पास, और भाई यमुना जी देखो, आप यमुना जी देखो, अरे चमिला है, चमिला यमुना है, अरे भाई तब प्रवेश पर इतना बढ़ गया है, इतना पानी बढ़ गया है कि बहुत ज्यादा। अभी हम लोग यहाँ पे घूमने आए हैं, अभी हम लोग घूमने आए हैं, यहाँ बताइए राजा का किला है, यहाँ पर बहुत सारी खूबियत है, ऐसी ऐसी चीजें जो आप देख के रह जाएंगे। अभी तोप दिखाएंगे और राजा कौन थे कहाँ से थे सब बताएंगे, अंदर जाके अभी दिखाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो गाइस इतने हमारे थोड़े और चाचा जी बताएंगे, थोड़ा बहुत हम भी बताएंगे कि जितना मुझको पता है उतना मैं बताऊंगा, और जो चाचा जी को पता है वो तो हमारे चाचा जी बताएंगे। तो इधर कुआ है, तो चाचा जी को जनरल दिखाओ कितना, देखो कुआ, देखो भाई ये अंदर पहले रानी इस सीढ़ी से नहाने के लिए जाते थे, अंदर का नज़ारा दिखाइए कैमरामैन। बस इस कुआ में रानी इसमें कूद कर नहाने के लिए जाती थी, ये ऐसा चमत्कारी हुआ है, इसके अंदर सोना भी बहुत है लेकिन कोई निकाल नहीं सकता है क्योंकि इसमें राजा का वरदान लगा हुआ है। अभी अंदर ही बहुत ऐसी खूबित चीजें हैं जो दिखाएंगे राजा की। जी ने बताया आपको, तो ये हमारा राजा का किला है, तो ये देखो यार कितने लोग पॉपुलर हैं, और ये हमारा किला है ना पॉपुलर है थोड़ा बहुत, क्योंकि ये भदावर राज्य में आता है, इस करके यूपी यूपी भदावर ये है गाइस। तो ये नौवा किला है, तो देखो इधर गाइस देखिए कैसा मजा आ रहा है। अभी हम जा रहे हैं तोप दिखाएंगे, जो तोप ऐसी है 30 हाथियों ने भी इसको नहीं खींच पाया था,
और कम से कम 2000 आदमियों ने उठाने की कोशिश की उसको ट्रैक्टर में रखने की, लेकिन फिर भी नहीं उठा पाया। इतनी बड़ी टोप है, अभी दिखाएंगे आगे चल के। तो चाचा ये सब आपको कैसे पता है इतनी बड़ी टोप है, क्या आप इस रेस्ट को जानते हो? नहीं, जो पुराने पुरखे थे उन्होंने हमको बताया ऐसा 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 यहाँ पर हुआ था। अच्छा जी, तो ये इधर क्या बोलते, इधर दिखाइए थोड़ा भैया, इधर दिखाओ। तो ये क्या बोलते, ये पुल सा क्यों बनाया है? पुल सा नहीं है, ये एक आने जाने का रास्ता है। इधर राजा रहता था, इधर रानी कभी कभी घूमने इधर नज़ारा देखने जाती थी यमुना का, कि कितना जल स्तर आ गया, कितना कम है, कितना ज़्यादा है। अच्छा ये रहता था इसके लिए यहाँ से। बाकायदा बताएं तो ये अब तो ऐसा कोई डिज़ाइन बना नहीं सकता ना, जो कारीगर लोग हैं ये अब नहीं बना सकता ना कोई। वो सब जा चुके हैं। तो गाइस उधर भी दिखाइए थोड़ा, उधर दिखाओ वो पिलर उधर। तो हम लोग बना रहे ब्लॉग, तो गाइस चाचा ने भी कभी नहीं बनाया, तो हमने भी कभी नहीं बनाया, तो थोड़ी बहुत गलतियां हो तो ठीक ठाक है। गोली वगैरह रानी की, इसमें रानी जो शादी होकर रानी की आई थी गोली में आई थी, जब से छोटी छोटी तोपे है, जब से यहाँ ऐसी रखी है ये चीज, ये रानी की तोप डोली है, ये तोप है, पुरानी चीज है, आज से कम 60-70 साल पुरानी चीज है। ये तोप है गाइस, और ये इधर डोली है, ये डोली 60-70 पुरानी है साल कम से कम। ये तो चाचा जी को ही पता है, हम तो सिर्फ इतना जानते थे ये तोप है और ये डोली है, ना कि हमें ये पता था क्या बोलते हैं यहाँ पर ये रानी इसमें आई थी और क्या गाइस। और चाचा एक और तोप पड़ी तो वो उसके थोड़ी बात बारे में बताएंगे। उठाने के लिए ट्रैक्टर आया था, कम से 1000 आदमी आए थे, उन्होंने इसको हिला नहीं पाया, उठाने की तो बात पूछ रही है। अच्छा। ये बहुत बड़ी तोप है, इसमें वजन है कम से कम 2000 किलो वजन होगा इसमें, इतनी इतनी छोटी तोप में नहीं, इसको हिला भी नहीं सकते तुम। हम पकड़ के दिखाएंगे, हमें हिला नहीं सकते, हिला के दिखा दो अभी 1000 रुपये इनाम। ये तो उठ भी नहीं रही गाइस, खाली हिला के दिखा दो, उठाने की तो 1000 आदमी नहीं रही है, ये तो तुम पे लेगी। अरे मेरे क्या, मेरा बाप नहीं उठा पाएगा। ओ भाई साहब ये तो हिल भी नहीं रही गाइस, तो देख सकते हो आप लोग कितनी बेहतरीन तोप है। तो इसमें चलाते कैसे होंगे इसको? इसको पहले यहाँ ऊपर रखा जाता था, इसके अंदर ये है ना बल कर दिया, इसे बोलता है, इसमें बड़ा सा गोला डाल के इसमें आग लगा के छोड़ दिया जाता था, किसी का जो से कोई सामने से हमला करने वाला होता है ना, किला उड़ाना है, कैसे उड़ाना है, इसमें उड़ाया जाता था। ये राजा की टेक्निक थी, अपने को क्या माला था, मैं इंसान है। अब आ गए किले के जोरा बढ़िया चीरा ही ले लें, बहुत देर रहेगी, ब्लॉग बंद करो, आराम कर लो, तो उसके बाद बनाएंगे। हाँ उसके बाद कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा बहुत व्यू और दिखाएंगे और फिर ब्लॉग को एंड करते हैं। तो गाइस अब हम दिखाने जा रहे हैं खुफिया जगह, आओ यहाँ के लोगों के लिए किसी ने दिखाई हुई गाइस, ये खुफिया जगह। यहाँ पर गाइस शायद कोई आया भी नहीं होगा ब्लॉग बनाने के लिए जो हम आए। यहाँ पर राजा रानी बैठते थे, हवा खाते थे, यहाँ हवा कैसी आती है मालूम है, यहाँ सामने यमुना है, यमुना की ठंडी ठंडी शीतल हवा आती है। तो हम लोग यहाँ पर आपको मस्त घूम लिया। तो गाइस पता है मैं इतने बार आया हूँ बट यहाँ पर मेरे को नहीं पता था कि ये भी खुफिया जगह हो सकती है, लेकिन मैंने चाचा से सिर्फ इतना बोला क्योंकि ये सामने दिख रहा है ना, सामने जैसे ऐसे ही मेरे को दिख रहा था, मैंने कहा चाचा काश इसके ऊपर जा सकते हो, चाचा बोलते इधर देखो सीढ़ी है, मैंने कहा कहाँ पर है, तो चाचा जी लेके आए। प्लस इसके अंदर ऐसी गुफा है, यहाँ से अपन घुसेंगे चित्रहाट वाले किले में निकलेंगे, खुफिया गुफा है, राजा लोगों ने पहले खुफिया गुफा रहती थी, वो भी दिखाई दे रही, चलो दिखाते हैं। तो ब्लॉग की आज लोग एक लिए की इतने बंदे आए हैं ब्लॉग बनाने के लिए। अरे वो सड़िया ब्लॉग बना, ब्लॉग बनाएगा, ब्लॉग ब्लॉग बना दे रहे गाइस, पढ़ाई लिखाई उनका दिमाग नहीं चलता है, ब्लॉग बनाएगा ब्लॉग बनाने तो अच्छा पेट में दर्द होता है इनके, नहीं नहीं बच्चों को ब्लॉग बनाने आए हैं, अच्छा कर रहे हैं ये चाचा का ब्लॉग, इसलिए चाचा को सारा क्रिएट चाचा जी के लिए आ जाता है, बस 80% चाचा के लिए जाता है क्रिएट और 20% मेरे लिए, 20% तो यही भैया इतना तो ले सकते हैं, नहीं हमारे लिए कुछ भी नहीं, तुम्हारे लिए सब सही है। देखो चाचा थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत में मारना वाला चलता रहता है, यश फन के लिए थोड़ी बहुत तो फन होना ही चाहिए ना, तभी तो मजा आएगा आगे के ब्लॉग में, और एंजॉय करते रहना, हमारे ऐसे ही ब्लॉग आते रहेंगे पर डे। तो क्या करते हैं चाचा, एंड करें अभी, इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करना चाहिए, अभी सब हो चुका है, अभी आप निकलेंगे घर के लिए, हम लोग घर के लिए निकलेंगे गाइस, क्योंकि आप चाचा जी सही बोल रहे हैं, क्योंकि सुबह से ब्लॉग बना रहे हैं, मतलब डे से इवनिंग से ब्लॉग ही बनाए आपको पता है,
तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और कुछ बोलना चाहते हो तो बोल दो। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारा घंटा जरूर दबाएं। मतलब कि हमारे चैनल का जो बेल आइकन ऑन है उसका घंटा बोल दें, ना कि तुम और कुछ समझ लो। तो गाइस थोड़े भाई कमेंट और करना, ब्लॉग कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।